बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी चैनल का, गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का, कि इनमें भी इस मामले को बार बार अपनी न्यूज़ पे उजागर किया है। और उसके बाद मैं अपने 82 मेम्बरान जो हमारे हैं उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने वक्तन फवक्तन इस बारे में गवर्नमेंट को आगाह किया। क्योंकि ये कुछ 6 साल पहले जो हमें बिल्डिंग यहाँ हुई थी इसमें 7 करोड़ रुपये पहले ही इन्वेस्ट हुए थे, और ये 7 करोड़ रुपया इसमें इन्वेस्ट होने के बाद अब ये दिन ब दिन बिल्डिंग तबाही के कगार पर पहुंच चुकी थी। क्योंकि इसमें ट्रस्ट जो लगा था, लेकिन ट्रस्ट के ऊपर जो टीन वगैरह लगता था वो नहीं लगा था। तो हम आज LG इंतज़ामिया का बहुत ही शुक्रगुजार है, सेक्रेटरी साहब का बहुत शुक्रगुजार है जिन्होंने इसमें रकूमात वागुजार किए। इसमें अभी हमें 13 करोड़ और 73 लाख रुपीज़ जो इन्होंने इसमें वागुजार किए हैं, और इससे ये बिल्डिंग मुकम्मल हो सकती है। और हमारी ये भी रिक्वेस्ट रहेगी कि इसमें गवर्नमेंट फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम शुरू करे, और फास्ट ट्रैक बुनियाद पे काम के साथ साथ जो इसका असली DPR बना है उस DPR के मुताबिक ही काम होना चाहिए। और साथ में जो उसमें एक लॉयर्स चैम्बर एक बिल्डिंग DPR में बनी थी, साउ लॉयर्स चैम्बर, उस बिल्डिंग में साउ रूम बनने हुए थे, तो वो भी मुकम्मल। अल्हम्दुलिल्लाह हम गवर्नमेंट के बहुत ही शुक्रगुजार हैं कि ये गवर्नमेंट बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रही है, और इस वक्त बिल्कुल फंड्स रिलीज हो रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द ये हमारी जितने भी इश्यूज़ हैं हम गवर्नमेंट तक पहुँचा के इनको ये जल्द अज़ जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। देखिए, सबसे पहले तो हम शुक्रिया करते हैं जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, जिन्होंने गुलिस्तान न्यूज़ के माध्यम से जो न्यूज़ नशर हुई है। और बार बार आपने ये मसला उठाया है कि यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स का जो इशू है पिछले 7-8 साल से पेंडिंग था, तो आज इसमें जो ये रिवाइज हुआ है, एस्टिमेशन जो रिवाइज हुआ अपटू 13.1373 करोड़ के पास, तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो इस वक्त LG एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये पॉइंट ये रिवाइज़ किया है, तो इसके लिए हम इनका बहुत शुक्रगुजार हैं।